हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फुल्ली एक्सप्लेन एमसीक्यू। आज के क्वेश्चन में हमें एसिटिक एसिड की सॉल्यूशन की पीएच निकालना है। हमारे पास डाटा गिवन है, के है, मतलब आयनाइजेशन कांस्टेंट, उसको हम एसिड कांस्टेंट भी बोलते हैं, वो दिया हुआ है। और जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है एसिटिक एसिड का, वो भी दिया हुआ है। तो ये दो डाटा के बेसिस पे हमें ये सॉल्यूशन की पीएच निकालना है। तो पीएच हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमको चाहिए कि हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो वो निकालने के लिए जो डाटा हम यूज करेंगे वो आयोनाइजेशन कॉन्सटेंट, मतलब एसिड कॉन्सटेंट का डाटा हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आयोनाइजेशन ऑफ सी एच थ्री सी ओ ओ एच कैसा होता है। सी एच थ्री सी ओ ओ एच ये पानी में आयोनाइज हो जाएंगे, ऐसा सी एच थ्री सी ओ ओ निगेटिव प्लस एच पॉजिटिव, एनायन और एच पॉजिटिव कैटायन में आयनाइजेशन हो जाएगा। इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट हमको देखे एसिड कांस्टेंट, तो एसिड कांस्टेंट का फार्मूला है के ए इज इक्वल टू, जो आयन्स है प्रोडक्ट साइड में वो हमको लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री सी ओ ओ निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, दैट इज सी एच थ्री सी ओ ओ एच। ये फार्मूले से हमने निकाल दिया। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि एक मोल एसिटिक एसिड से एक मोल एनायन बनता है और एक मोल कैटायन बनता है, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन है वो लगभग सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। सी एच थ्री सी ओ निगेटिव कॉन्सेंट्रेशन और एच पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों सेम रहता है। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, सो के ए इज इक्वल टू एच पॉजिटिव, क्योंकि दोनों सेम है, उसका जो वैल्यूज है वो सेम है, और एच पॉजिटिव डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एच थ्री सी ओ ओ एच। अभी क्या क्या दिया हुआ है, देखो के ए दिया हुआ है और जो कॉन्सेंट्रेशन है सी एच थ्री सी ओ एच वो भी हमें दिया हुआ है। के ए हमें दिया हुआ है 1.74 इंटू 10^-5। एच पॉजिटिव एच पड़े वो दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर डिवाइड बाय इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है वो है 0.01। अभी ये जो कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है 0.01 मोल पर डीएम क्यूब में दिया है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन जो दिया है एसिटिक एसिड का सी एच थ्री सी ओ एच, उसका कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है 0.01 मोल पर डीएम क्यूब। हमें अगर ये निकालना है सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हमेशा मोलैलिटी के टर्म में चाहिए, हमको पीएच निकालना है तो मोलैलिटी का मतलब होता है मोल्स पर लीटर, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है वो 0.01 मोल पर डीएम क्यूब में देखा है। अभी डीएम क्यूब का मतलब क्या था हमको जानना पड़ेगा। डीएम क्यूब डी का मतलब होता है डेसीमीटर, सो डी का मतलब 10^-1 होता है इनटू मीटर, इसका क्यूब तो इसका क्यूब आएगा 10^-3 मीटर क्यूब। तो 10^-3 का मतलब होता है 1 लीटर, मतलब 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। सो जी आ जाएगा 1 लीटर इज इक्वल टू 10^-3 क्यूब, मतलब 1, इसका मतलब इसका जो मतलब होता है 0.01 मोल पर लीटर, मतलब हमें जो कॉन्सेंट्रेशन दिया है वो मोल पर लीटर में दिया है, तो इसलिए हमने जैसे के वैसे यहाँ पे लिया है। तब इसको सॉल्व करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे, एच पॉजिटिव का स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू, ये इधर जाएंगी 0.01 इंटू 1.74 इंटू 10^-5, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड का, एच पॉजिटिव इज इक्वल टू अंडर रूट 0.01 इंटू 1.74 इंटू 10^-5। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये जो पॉइंट इधर इधर लेके जाओ आप 1, 2, मतलब 10^-2 हो जाएगा, तो यहाँ से हट जाएगा, इधर -7 हो जाएगा। ओके,
अभी यहाँ पे 1.74 है, 10^-8 होगा तो उसका स्क्वायर रूट -4 आ जाएगा, तो इसको 1.74 को 17.4 करते हैं, 17.4 × 10^-8 मतलब एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इतना हो जाएगा। अभी जो पीएच हमें निकालना है तो पीएच का फार्मूला है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव है, तो आप लिख लो आप माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ अपने को 17.4 × 10^-8 √1/2 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा -1/2 लॉग 17.4 × 10^-8। इसको आप सॉल्व करोगे मैथमेटिकली तो इसका आंसर आ जाएगा 3.4। मैंने कैलकुलेट किया है तो उसका आंसर आया 3.4। तो हमें जो पीएच मिल गई है वो जो पीएच है ये सॉल्यूशन की एसिडिक एसिड सॉल्यूशन की जिसका आयनाइजेशन कांस्टेंट 1.74 × 10^-5 वो है 3.4, ये इसका सॉल्यूशन है। दोस्तों आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा तो ये चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसका आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन ज़रूर भेजें। पढ़ाई पे फोकस करें, चीज़ों को अपने दिमाग में परमानेंट करें और आपको एग्ज़ाम में स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता बिकॉज यू आर अनस्टॉपेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।